तो दोस्तों नमस्कार, आपको बता रहे हैं भगवत के गुणनखंड। तो भगवत के गुणनखंड कहना सिखाएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे गुणनखंड। तो भगवत के गुणनखंड कैसे करते हैं जो आपको बता रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा जो भगपद या व्यंजक बोल सकते हैं। इसमें आपके दो चर में है, जो दो चर इकट्ठे लिखे तो भगपद ना बोलो तो क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड भी गुणनखंड व्यंजक बोल सकते हैं, बीज व्यंजक। तो इनका गुणनखंड कैसे करते हैं जो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। एक पद में है, जो भी एक पद का एक पद ही गुणनखंड कैसे करें वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 18x, 18x नहीं 12xy ये गुणनखंड करने। तो आपको पहले है तो क्या कर देना है, 12 12 गुणे क्या कर दोगे, एक्स गुणे वाई कर दोगे। फिर आपको क्या करना है, 12 के अब ये तीन तो गुणनखंड हो गए, 12 गुणे 84 अलग कर दिए हमने, 84 को अलग में लिख दिया, 84 अलग लिख दी, गुणा में सब नहीं लिखते थे गुणनखंड। अगर आपको एक ही आगे और भी लिखना हो तो आप 12 के गुणनखंड अलग कर दो कहीं पर, तो 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे एक्स गुणे वाई, तो इतने इसके गुणनखंड कहलाएंगे। मेन तो बात यह कि आपका इतना ही काम कर जाएगा, बाकी आपसे अगर और पूछे और करें तो आप इतने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जी आपके गुणनखंड हो जाएंगे। इसका कैसे करें, तो वैसे ही इसका करना है 6x2y, तो अचर राशि को अलग कर देना, x की घात कितनी है 2, तो x को गुणा में कितनी बार लिखोगे आप, 2 दिन लिखेंगे, जितनी बार घात चढ़ी उतनी बार उसको गुणा में लिखेंगे। तो वाई जैन कितने, वाई का घात एक ही थी तो उसको गुणा में क्या एक ही बार लिखा, यहाँ पर एक्स घात 2 थी तो हमने एक्स को गुणा में 2 दिन लिख दिया। तो जी आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड बहुपद के कहलाएंगे, या व्यंजक के गुणनखंड बोल सकते हैं, ठीक। तो व्यंजक बोलो बहुपद ना बोलो, ठीक। तो इसकी आप लोग करेंसी नंबर की आप लोग कमेंट में बताएं करके। दोस्तों धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय राम जी की।